हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। यह चौथा अध्याय है, इसका शीर्षक ही दिव्य ज्ञान है। तो पहले भगवान ने कर्म योग के बारे में हमें बताया था और अब हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो जो अभी करंट में चल रहा है, श्री कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं? गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि हमें ज्ञान लेने के लिए गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और गुरु से हमें किस तरह से प्रश्न उत्तर करने हैं, और अंत में उनके उत्तर जानकर गुरु की सेवा भी करनी चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो अब आगे जानते हैं कि और श्री कृष्ण इस बारे में अब क्या कहेंगे दिव्य ज्ञान के बारे में। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं, गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हम ये पाठ ढंग से कर सकें, ध्यान पूर्वक सुन सकें और बोल सकें। हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए आगे करते हैं पाठ। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सान्तरिष्यसि। हरे कृष्णा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान किस तरफ इशारा कर रहे हैं? यहाँ पर भगवान हमारे इस जीवन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा ये जीवन है, ये है क्या? इतना संघर्ष है इस जीवन में, हमें पग पग पर इतना संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पापियों से भी ज्यादा पापी समझा जाए, तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा ये जीवन है ही क्यों? हमारा जो ये जीवन है, हमारा जो ये अस्तित्व है, हमने यहाँ पर इस धरती पर जन्म लिया हुआ है, यह हमारे पूर्व पाप कर्मों की वजह से ही है। अगर हमने कोई पाप कर्म नहीं किए होते या हमारी गलत इच्छाएं नहीं की होती तो हमें यहाँ पर जन्म नहीं मिलता, तो हम भगवान के आध्यात्मिक लोक में ही रहते। तो बात यहाँ पर यह है कि पाप की वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पापियों से भी ज्यादा पापी समझा जाए, मतलब महापापी अगर तुम्हें समझा जाए, तब तुम्हें अगर ज्ञान रूपी नाव मिल जाए, यानी कि वो नाव तुम्हें इस पाप रूपी समुद्र से बाहर निकालेगी, जो ये संघर्ष वाला समुद्र है इससे बाहर निकालेगी। तैराक कितना भी चतुर क्यों ना हो, लेकिन जब उसे समुद्र की लहरों से लड़ना पड़ता है तब वह डूब जाता है, कहीं ना कहीं थक जाता है, वह समर्थ नहीं होता उस समुद्र को पार करने में, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है और तैराक की लिमिट कम होती है। इसी तरह ये जीवन रूपी समुद्र बहुत बड़ा है, इसके अंदर संघर्ष बहुत ज्यादा है। हम कितना भी कुशल क्यों ना हो जाएं, कितने ही भौतिक रूप से सफल क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारा ये संघर्ष नहीं खत्म होगा। मान लीजिए हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत अमीर बन गए हम भौतिक रूप से, लेकिन अगर भगवान को कुछ करना हो, आपकी किस्मत में कुछ गलत लिखा हो, तो आपका वो धन आपको बचा नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाएंगी या कुछ और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, तब आपका वह धन आपको बचा नहीं पाएगा, यानी कि जीवन में संघर्ष बना रहेगा। तो इस संघर्ष वाले जीवन से बाहर निकलने के लिए, इस समुद्र से बाहर निकलने के लिए भगवान का दिव्य ज्ञान एक नौका की तरह है। तो भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को नौका की संज्ञा दी है कि ये नौका आपको इस समुद्र से बाहर ले जाएगी। हरे कृष्णा। यथा इधांसि समिद्धि अग्निः भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हरे कृष्णा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे कृष्णा।
तो यहाँ पर भगवान क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, जो इनका ज्ञान होता है और उनका संबंध होता है, उसकी तुलना यहाँ पर अग्नि से की गई है कि जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि हमारे कर्म फलों को जला देती है। वह हमारे पाप कर्मों को तो जलाती ही है, जो पाप कर्मों के फल होते हैं उनको खत्म कर देगी ताकि हमारे जीवन में आगे समस्याएं ना आए, साथ ही पुण्य कर्मों के फलों को भी जला देती है। अब यहाँ पर दो बातें हो गई, पाप कर्म के भी फल जला दिए और पुण्य के भी फल जला दिए। पाप के फल जलाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन पुण्य के फल क्यों जला दिए? क्योंकि पुण्य के फलों की वजह से हमें बार बार इस चक्र में फंसा रहना पड़ेगा। अगर हमें कोई पुण्य का फल चाहिए, अच्छा फल चाहिए, अच्छा फल मिलेगा पुण्य का, तो उसे भोगने के लिए हमें फिर आना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर फिर से आ गए तो फिर से कर्म बंधनों में फंस जाएंगे, फिर से हमसे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए जब हमें ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान, हमें अपना संबंध पता लग जाता है परमात्मा से, ज्ञान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया कि हमारी वास्तविक स्थिति है क्या कृष्ण के संदर्भ में, तब हम इन कर्मों के फलों से छूट जाते हैं। और कर्मों के फलों से अगर छूट गए तो हम इस भवबंधन से छूट जाएंगे, इस आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम चले जाएंगे। ये यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।